इधर छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में सीएम भूपेश बघेल आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आईएनएस 24/7 से खास बातचीत की और खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में विधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के तीखे सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस विधायकों के टिकट काटने के मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये फैसला किसी एक आदमी का नहीं बल्कि सामूहिक है। संगठन के सर्वे और मंथन के बाद किसी विधायक की टिकट काटी जाती है। ऐसी जगहों पर कहीं कार्यकर्ता नाराज थे तो कहीं जनता नाराज थी, लेकिन जिन विधायकों की टिकट काटी गई है उनका काम खत्म नहीं हुआ है। सरकार आने पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इस विशेष कार्यक्रम को आप सोमवार रात 8 बजे देख सकते हैं। आपकी बात पर भरोसा किया था, आपकी नीति पर भरोसा किया था और ऐसा भरोसा किया था कि 90 में से 69 सीट्स आप जीत कर आए थे। 22 को आपने जनता के पास जाने से पहले ही घर में बिठा दिया, ऐसा क्यों किया? ये कोई अकेले फैसला होता नहीं और इसमें पार्टी संगठन के सर्वे रिपोर्ट ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनकी टिकट कटी है वो हमेशा के लिए उसका काम समाप्त हो गया। अभी जिन विधायकों की टिकट कटी है वो सब लोग बड़े सक्रियता से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको जिम्मेदारी दी गई है, दूसरी जिम्मेदारी दी गई है और उनको पता है कि सत्ता में आएंगे तो हमको काम करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। पर भूपेश जी तो मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं, इस बदलाव के पीछे क्या वजह महसूस करते हैं? ये जो बदला गया मैं सर्वे आधार है या इसके इतर स्वयं आप नेता के तौर पर देख पाते हैं कि ये बदलाव हमने इसलिए किया, उस फैसले में आपकी भी सहभागिता है, तो कैसे आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि ये फैसला इसलिए है? देखिए फैसला इसलिए, देखिए कुछ जो साथी थे उसके उससे कार्यकर्ता नाराज थे जी, कुछ ऐसे साथी थे जिसके क्षेत्र की जनता नाराज थी। कार्यकर्ता खुश थे जी, लेकिन जनता नाराज है जी। तो सब सर्वे में सब आ जाता है, कार्यकर्ताओं से बात करो तब आ जाता है, तो इस कारण से वो फैसले लिए गए।